थी हनुमान जी महाराज की, मुलश्यावर रामचंद्र भगवान की। तो भक्तों, ये सुंदरकांड कथा है और हमारा प्रयास है कि साधारण शब्दों में एक एक शब्द आप सबको समझ आए, ऐसा हमने प्रयास किया है। और किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए हम आपके क्षमा प्रार्थी हैं। तो सुनिएगा बड़ा ही प्यारा भाव और ये सुंदरकांड कथा। जामवंत जी कहने लगे, यूं सुन लो बजरंग प्यारे, राम काज तुम ही कर सकते, करते विनती सारे। श्री राम को नाम लियो है और चल पड़े लंका नगरी में, बजरंगी उधम मचायो देखो लंका नगरी में, श्री राम को डंक बजायो देखो लंका नगरी में। जामवंत जी और पूरी वानर सेना हनुमान जी महाराज से कहने लगी, हे हनुमान जी, आपका जन्म केवल राम कार्य के लिए हुआ है और ये कार्य केवल आप ही कर सकते हैं, सात समुद्र पार हम में से कोई नहीं जा सकता। तो आपसे विनती है कि आप जाएं और सीता माँ का पता लगा कर आएं। हनुमान जी महाराज श्री राम का नाम लेकर समुद्र में छलांग लगा देते हैं। उधर देवताओं के मन में एक शंका हो जाती है कि हनुमान जी एक छोटे से वानर हैं और रावण की विशाल सेना है, शायद हनुमान जी उनका सामना कर पाए या नहीं कर पाए। तो हनुमान जी महाराज की परीक्षा के लिए सारे देवता एक उपाय सोचते हैं। देवों के मन बात है आई, रावण सेना भारी, लेने परीक्षा हनुमत की भेजी एक सुरसा नारी। नहीं जाने तुझे दूंगी यूं बोली लंका नगरी में, बजरंगी उधम मचायो देखो लंका नगरी में, श्री राम को डंक बजायो देखो लंका नगरी में। माता कहने लगी, हे हनुमान, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी क्योंकि मैं कई दिनों से भूखी हूं और तुम्हारी ही राह देख रही थी, तुझे खाकर अपना पेट भरना चाहती हूं। हाथ जोड़कर बोले हनुमत, सुन लो ए महतारी, मात सिया को हर के ले गयो वो रावण बलकारी, सीता का पता लगाने दो मुझे लंका नगरी में, बजरंगी उधम मचायो देखो लंका नगरी में, श्री राम को डंक बजायो देखो लंका नगरी में। हनुमान जी हाथ जोड़कर कहने लगे, हे माते, भगवान श्री राम की अर्धांगनी माता सीता को दुष्ट रावण हर कर ले गया, मुझे उनका पता लगाना है, कृपया आप मुझे जाने दीजिए। लेकिन सुरसा ने एक नहीं सुनी और अपना मुख फैलाना शुरू कर दिया, योजन से सो योजन तक अपना मुख फैलाया, कर छोटा सा रूप हनुमत झट से बाहर आया। सुरसा ने कहा, अब जाओ तुम जल्दी लंका नगरी में, बजरंगी उधम मचायो देखो लंका नगरी में, श्री राम को डंक बजायो देखो लंका नगरी में।
उषा माता ने आशीर्वाद दिया कि जाओ बेटा, तुम्हारी विजय हो, तुम भगवान श्री राम के कार्य के लिए जा रहे हो और मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई थी। जाओ और अपने कार्य में भगवान तुम्हें सफल करे। हनुमान जी महाराज तुलसा माता से आशीर्वाद लेकर चल पड़ते हैं और लंका के द्वार पर लंकनी नाम की राक्षसी का पहरा है और हनुमान जी महाराज उससे मिलते ही क्या करते हैं। लंका के मुख द्वार पे देखा लंकनी का पहरा, एक मुक्के से कर दिया उसके दो कानों को बहरा। श्री राम को लेके नाम कपी आयो लंका नगरी में। बजरंगी युद्ध मचायो देखो लंका नगरी में। श्री राम को डंक बजायो देखो लंका नगरी में। हनुमान जी महाराज ने लंका नगरी में प्रवेश कर लिया और हनुमान जी महाराज छोटा सा रूप धारण करके सभी कक्षों में, सभी महलों में सीता मैया की खोज कर रहे हैं। हनुमान ने अपना एक छोटा सा रूप बनाया, चहू और देखा सीता को कहीं पता ना पाया। घूमे हैं सारी दिशाओं में ढूंढा लंका नगरी में। बजरंगी युद्ध मचायो देखो लंका नगरी में। श्री राम को डंक बजायो देखो लंका नगरी में। कहीं पता नहीं पाया हनुमान जी महाराज ने सीता मैया का। हनुमान जी महाराज ने लंका में देखा कि अचानक भगवान श्री राम के नाम का जय घोष हो रहा है। श्री राम, जय जय राम का गुणगान किया जा रहा है। हनुमान जी हैरान हो गए कि लंका जैसी नगरी में भगवान श्री राम के नाम का गुणगान कौन कर रहा है, या तो ये रावण की माया है, जाकर देखना चाहिए। और हनुमान जी महाराज जैसे ही नजदीक पहुंचे, है माया ये कैसी कुछ भी ना समझे हनुमान। है माया ये कैसी कुछ भी ना समझे हनुमान। रटे राम नाम को विभीषण जी देखो लंका नगरी में। बजरंगी युद्ध मचायो देखो लंका नगरी में। श्री राम को बजायो देखो लंका नगरी में। रावण का छोटा भाई विभीषण, जो भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं, भगवान श्री राम के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, भगवान श्री राम के नाम का जाप कर रहे हैं और हनुमान जी विभीषण जी के पास पहुंच जाते हैं। रूप विप्र का धार लिया और जाए मिले हनुमान। हाथ जोड़ प्रणाम किया और फिर बतलाया नाम। विभीषण गले लगायो है देखो लंका नगरी में। बजरंगी युद्ध मचायो देखो लंका नगरी में। श्री राम को डंक बजायो देखो लंका नगरी में। एक ब्राह्मण का वेश करके हनुमान जी महाराज विभीषण जी से मिलते हैं और अपना परिचय देते हैं। हनुमान जी कहने लगे, मैं
भगवान श्री राम का दूत हूँ, मेरा नाम हनुमान है और माता सीता का पता लगाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। विभीषण जी ने भगवान श्री राम का नाम लेते ही हनुमान जी महाराज को गले से लगा लिया और विभीषण जी हनुमान जी को सीता मैया का पता बता रहे हैं। अशोक वाटिका में है सीता माता जी का वास, कई सैनिकों का पहरा रहता है उनके पास। तुम संभल संभल कर जाना जी, देखो लंका नगरी में बजरंगी युद्ध मचायो, देखो लंका नगरी में श्री राम को डंक बजायो, देखो लंका नगरी में। विभीषण जी कहने लगे, अशोक वाटिका में सीता मैया को रखा गया है और हनुमान जी ध्यान रखना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्त पहरा है, कई राक्षस और राक्षसी सीता मैया का बड़ी सख्ती से पहरा देते हैं, तो तुम संभल कर अशोक वाटिका में जाना। हनुमान जी महाराज ने एक छोटा सा रूप धारण किया और जाकर अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ लंका का राजा रावण चल कर आया, आकर के तलवार से अपनी सीता जी को डराया। माँ सीता बहुत कल पाई रे, देखो लंका नगरी में बजरंगी युद्ध मचायो, देखो लंका नगरी में श्री राम को डंक बजायो। सीता मैया को धमकाने के लिए आता है रानी मंदोदरी के साथ, कहने लगा, सीता अगर तूने एक महीने में मेरे साथ विवाह नहीं किया तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। ये कहकर रावण चला जाता है। हनुमान जी महाराज ये सब देख रहे हैं और सीता मैया रो रही है कि भगवान आप कहाँ है, ये दुष्ट रावण मुझे मार देगा, आप जल्दी आइए और इस दुष्ट रावण से मुझे बचाइए। सीता मैया रो रही है भगवान श्री राम को याद करके। तभी हनुमान जी महाराज, जाए मिलो सीता माता से पवन पुत्र बलकारी, ऊपर से हनुमत ने देखो प्रभु मुंदरी डारी। प्रभु की मुंदरी कौन लायो है, देखो लंका नगरी में बजरंगी युद्ध मचायो, देखो लंका श्री राम को डंक बजायो, देखो लंका नगरी में। सीता मैया बहुत ज्यादा दुखी तो पहले ही थी और जब भगवान श्री राम की मुद्रिका देखी तो बड़ा दुख हुआ। सीता मैया के मन में अनेक प्रकार के विचार आने लगे, ये अंगूठी यहाँ कौन लाया है। हनुमान जी महाराज ऊपर से छलांग लगाते हैं और हाथ जोड़कर कहने लगे कि मैया ये मुद्रिका मैं लाया हूँ, मेरा नाम हनुमान है और मुझे भगवान श्री राम ने आपका पता लगाने के लिए भेजा है। हनुमान जी कहने लगे, माँ ये मुंदरी मैं लाया, भेजा है श्री राम ने मुझको पता लगाने आया। प्रभु राम को हाल सुनायो है, देखो लंका नगरी में बजरंगी युद्ध मचायो, देखो लंका नगरी में श्री राम को डंक बजायो, देखो लंका नगरी में।
हनुमान जी महाराज ने पूरा हाल सुनाया कि मैया बहुत जल्द भगवान श्री राम आपको लेने के लिए आएंगे। भगवान श्री राम और पूरी सेना बहुत ज़्यादा दुखी है मैया, और आपका पता लगाने के लिए मुझे भेजा है। माता सीता रो रही है। पहले तो सीता मैया कहने लगी कि हनुमान जी महाराज, मैं आपको नहीं पहचानती, लेकिन वो प्रभु मुद्रिका दिखाकर विश्वास दिलाया कि मैया मुझे भगवान श्री राम ने भेजा है। काफ़ी देर की वार्ता के बाद में जब वाटिका में सुंदर फल देखे तो हनुमान जी महाराज के मुख में पानी आ गया और मैया से कहने लगे, कहने लगे हनुमान मैया थोड़ थोड़ फल खाऊं, ओ आ क्या मैया मुझको मैं थोड़ी भूख मिटाऊं। फल खाने कूद पड़ो है देखो लंका नगरी में, बजरंगी उधम मचायो देखो लंका नगरी में, श्री राम को डंको बजायो देखो लंका नगरी में। सीता मैया कहने लगी, हे हनुमान जी जाओ, परंतु ध्यान रखना कि बगीचे में जो पके हुए फल हैं, जो फल नीचे गिरे हुए हैं, केवल उन्हीं फलों को खाना और किसी प्रकार का नुकसान मत करना, ध्यान से जाना हनुमान जी। और हनुमान जी मैया से आशीर्वाद लेकर अशोक वाटिका में छलांग लगा देते हैं। मातिया यूं बोली, बेटा फल खाई तू पका, पटक पटक कर मारे राक्षस वीर बड़ा है बांका, अक्षय ने मार गिरायो है देखो लंका नगरी में, बजरंगी उधम मचायो देखो लंका नगरी में, श्री राम को डंको बजायो देखो लंका नगरी। सारी सेना में हाहाकार मच गया। जाकर रावण से कहने लगे कि हे महाराज, एक छोटा सा वानर आ गया है अशोक वाटिका में और तबाही मचाकर रखी हुई है। रावण ने अपने छोटे बेटे अक्षय कुमार को हनुमान जी महाराज से लड़ने के लिए भेजा और एक ही मुक्के में हनुमान जी महाराज ने अक्षय कुमार का वध कर दिया। सैनिकों ने दोबारा जाकर कहा कि महाराज, हनुमान ने अक्षय कुमार का वध कर दिया। तो रावण ने अपने बड़े बेटे मेघनाथ को, इंद्रजीत को हनुमान जी से लड़ने के लिए भेज दिया। मेघनाथ ब्रह्मा जी से लिया हुआ वरदान था, ब्रह्मा जी से मिला हुआ वरदान, ब्रह्मफास से हनुमान जी महाराज को बंदी बना लेते हैं। हनुमान जी महाराज ने ब्रह्मा जी का सम्मान रखने के लिए स्वयं ब्रह्मफास में बंध गए और रावण के दरबार में चले जाते हैं। ब्रह्मफास में बंदी बनाकर मेघनाथ जब लाया, भरी सभा में हनुमान ने रावण को समझाया, जब पूछ में आग लगाई देखो लंका नगरी में, बजरंगी उधम मचायो देखो लंका नगरी में, श्री राम को डंको बजायो देखो लंका नगरी में। हनुमान ने
रावण को बहुत समझाया कि अरे रावण, अभी भी समय है, अभी भी संभल जा और जाकर प्रभु की शरण में जाकर माफ़ी मांग ले। मेरे प्रभु बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, अगर तू सीता मैया को लौटा देगा तो मेरे प्रभु तुझे अब भी माफ कर सकते हैं। रावण ने अपने अहंकार को नहीं तोड़ा और अपने सैनिकों से कहा कि इसको इसकी पूंछ बड़ी प्रिय है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। और हनुमान जी महाराज ने पूंछ में आग लगते ही क्या किया, लगी पूंछ में आग, उसने सारी लंका जलाई, जान बचाकर भाग रहे लंका के लोग लुगाई। एक पल में मची तबाही है, देखो लंका नगरी में, बजरंगी उधम मचायो, देखो लंका नगरी में, श्री राम को डंक बजायो, देखो लंका नगरी में। सारी लंका में हाहाकार मच गया, लंका के सब नर नारी परेशान हो गए, सभी अपनी जान को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। ये कैसा वानर आ गया है, एक छोटे से वानर ने पूरी लंका में धमाल मचा कर रख दी। रानी मंदोदरी समझा रही है कि अरे रावण, अभी समझ जा, जिन स्वामी का एक दूत इतना बड़ा कार्य कर सकता है तो आप अंदाजा लगाएं कि वो स्वामी यहाँ आकर क्या कर देंगे। अभी भी समय है, सीता जी को तू वापस लौटा दे। लेकिन अहंकार में अंधा रावण उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है और मंदोदरी से कहने लगा, तू वनवासियों की प्रशंसा कर रही है, तू जानती नहीं मैं लंकेश हूँ, मेरी शक्ति का तुझे अंदाजा नहीं है, मैं उनका वध कर दूंगा और सीता को कभी नहीं लौटाऊंगा। हनुमान जी महाराज पूरी लंका जलाकर सीता मैया के पास पहुंच जाते हैं और सीता मैया ने चूड़ामणि निशानी के रूप में हनुमान जी महाराज को दी और हनुमान जी से कहने लगी कि हे हनुमान जी, जाकर प्रभु को संदेश दे देना कि अगर एक मास के भीतर भगवान श्री राम मुझे लेने के लिए नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। और चूड़ामणि लेकर हनुमान जी महाराज वापस भगवान श्री राम के पास आते हैं। माता से ली चूड़ामणि, आए रघुवर के पास, हाथ जोड़कर कहने लगे प्रभु मैया बड़ी उदास, मैया ने जल्दी बुलाया है प्रभु तुम्हें लंका नगरी में, बजरंगी उधम मचायो, देखो लंका राम को डंक बजायो, देखो लंका नगरी में। हनुमान जी की बातें सुनकर भगवान श्री राम की आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। लक्ष्मण जी को एकदम क्रोध आ जाता है कि भैया आप जल्दी करें, हमें जल्दी से भाभी को यहाँ लेकर आना है, अगर हम नहीं पहुँचे जल्दी तो भाभी अपने प्राण त्याग देगी। और भगवान श्री राम कहने लगे, चलिए हम समुद्र देवता के पास चलते हैं, हमें वही उपाय बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। सारी वानर सेना, सुग्रीव जी, जामवंत जी, अंगद, नल और नील सभी समुद्र के किनारे जाकर एक हवन करते हैं, एक यज्ञ करते हैं। जब 3-4 दिन तक समुद्र देवता प्रकट नहीं हुए तो लक्ष्मण जी कहने लगे कि भैया ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनके सामने क्रोध से काम लीजिए, अपना धनुष और बाण निकालिए। जब लक्ष्मण ने ऐसे कहा तो समुद्र देवता
हाथ जोड़कर और प्रभु के सामने प्रकट हो गए। भगवान से कहने लगे, हे भगवान, हे प्रभु, क्षमा करें, अगर आपने समुन्दर को सुखा दिया तो इसमें रहने वाले जीव जंतु कहाँ जाएंगे? आपसे निवेदन है कि आप इन जीव जंतुओं का ख्याल रखें और आपकी सेना में नल और नील नाम के बड़े ही कुशल वानर हैं, जो सेतु बनाने में बड़े कुशल हैं। आप एक पत्थरों से सेतु बनवाइए जो लंका तक बन जाएगा और पूरी सेना सहित आप लंका में जाएं। भगवान कहने लगे कि इस वाण का मैं क्या करूं, तो समुद्र देवता ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, इसे दक्षिण दिशा में छोड़ दीजिए, वहां पर कई राक्षस जो मुझ में निवास करते हैं बहुत से जीव जंतुओं को परेशान करते हैं, आप ये वाण वहीं छोड़िए ताकि उनका विनाश हो जाए। इतना कहकर समुद्र देवता अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। सारी वानर सेना ने तब सेतु एक बनाया, श्री राम ने लंका में रावण को मार गिराया। गूंजा जयकारा राम नाम का लंका नगरी में, बजरंगी युद्ध मचायो देखो लंका नगरी में, श्री राम को डंक बजायो देखो लंका नगरी में, बजरंगी युद्ध मचायो देखो लंका नगरी में, श्री राम को डंक बजायो देखो लंका नगरी में। हरि भजन जगत सब सपना, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बजरंगी युद्ध मचायो देखो लंका श्री राम को डंक बजायो देखो लंका नगरी में, बजरंगी युद्ध मचायो देखो लंका नगरी में, श्री राम को डंक बजायो देखो लंका नगरी में। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए सालासर दरबार की।